हेलो गाइस, तो आज मैंने एक थोड़ा डिस्टर्बिंग वीडियो देखा और उसी के बारे में हम आज बात करने वाला है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आ गया था उल्लू, तो ये वीडियो देख के शायद बहुत लोग हंस रहे होंगे और काफी लोग शायद ये भी बोलते होंगे कि मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग ऐसा ही होता है शायद। और जो नॉर्मल जिसको पता नहीं कि एक फाइटर कैसा होता है या फिर एक प्रोफेशनल लेवल पे खेलने वाले लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको ऐसा ही लगता होगा कि मूवीज में जैसे दिखाते हैं शाओलिन वाले कुंफू, शाओलिन कुंफू और कराटे किड, वो सब मूवी में जो हार्डशिप दिखाते हैं, जो एकदम फोर्सफुली उनको इंजुरी करते हैं ऐसा दिखाते हैं, वो सब शायद रियल होगा ऐसा सोच रहे होंगे। तो इसके हिसाब से तो ये वाला जो बच्चा तड़प रहा है वो तो नॉर्मली होगा, मार्शल आर्ट में ऐसा ही ट्रेनिंग है, पर नहीं है। एक्चुअली वो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं है, ऐसा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं होता है एक्चुअली। दैट इज आप चाइल्ड एब्यूज भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग का कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मेरे पास ऐसा स्टूडेंट भी है जिनको पहले ऐसे ही कोई कराटे टीचर ने फोर्सफुली स्ट्रेचिंग कर दिया था और जिसके वजह से उनका जो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंडन्स होते हैं हमारे यहाँ पे पेल्विक के साथ जो हड्डी होते हैं, फेमुला होते हैं, वो सब जॉइन करके रखते हैं, तो वैसा टेंडन टोन हो गया था। उसके बाद उसको सर्जरी करना पड़ा। और आपको अगर उस टाइम पे किसी का स्प्लिटिंग करते वक्त टेंडन टोन हो गया या फिर लिगामेंट टोन हो गया, उसके बाद वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, व्हाइट टिश्यू होता है, वो कभी हील नहीं होता, खुद ब खुद कभी हील नहीं होता। मसल टॉर्न होने से हील हो जाता है, पर टेंडन या फिर लिगामेंट टॉर्न होने से कभी हील नहीं होता। तो ऐसे करने से वो एक लाइफ टाइम डैमेज कैरी करता है, और जो कि मार्शल आर्ट में बिल्कुल सही नहीं है। आपको किक करना है, आपका पूरा पावर टेंडन से ही आएगा, आपका मूवमेंट करना है, आपको साइड राउंड हाउस करना है, साइड किक करना है, पूरा का पूरा पावर टेंडन और लिगामेंट से ही आएगा। तो अगर इनिशियल फेज में अगर स्प्लिटिंग करते वक्त ही अगर आपने वो उसी में इंजरी कर लिया तो कैसे होगा? तो उसका एक सही ढंग होता है कि कैसे स्ट्रेचिंग किया जाए, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना है। और मैं वो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग एक प्रोफेशनल के हिसाब से कैसे हम साइंटिफिक बैकअप के साथ कैसे स्ट्रेचिंग करते हैं, और वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरा जो नया अपकमिंग चैनल है लीगेसी कॉम्बैट एमएमए बोल के, वहाँ पे हम वो वीडियो डालने वाले हैं। तो प्लीज़ वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे हम बस सिर्फ ट्यूटोरियल्स ही बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम इस चैनल पे हम थोड़ा सा क्रिटिकल वीडियोस या फिर थोड़ा जानकारी वाला वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू मार्शल आर्ट्स, वो सब हम देने वाले हैं। और नया चैनल पे हम लोग सिर्फ ट्यूटोरियल और सीखने वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कोचेस आएंगे, अलग अलग ट्रेनर्स आएंगे, सब लोग एक साथ हम वीडियोस बनाएंगे ताकि नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज शेयर हो सके। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।